बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मध्य प्रदेश सहकारी समिति भोपाल के तत्वाधान में अपनी अपनी मांगों को लेकर विगत 13 दिन से अनशन पर बैठे हैं। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सर्वप्रथम सभी ने मुंडन करवाकर सरकार को चेताया, अब भोपाल में सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। उमरिया जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं यह अनशनकारी, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो इन्होंने पहले मुंडन करवाया, फिर रैली निकाली, अब भोपाल जाकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। वहीं इस आंदोलन में बैठी महिलाओं ने कहा कि एक और लाडली बहना को 1000 दे रहे हैं तो कम से कम हमारी वेतन ही दे दे और हमें परमानेंट कर दे, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो सकेगा, नहीं तो हम भोपाल में सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान भोपाल के हम लोग जिला इकाई उमरिया से बैठे हुए हैं। हम लोग 6 तारीख से जो है तो अनशन पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की कोई भी ना प्रशासन ना शासन, हम लोगों की जो मांग है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ध्यान जा रहा है, ना प्रशासन का ध्यान जा रहा है। हम लोगों की डिमांड है कि हम लोगों का वेतन मान दिया जाए। जो हमारे साथ में राशन वितरण का कार्य सहयोगी करते हैं उनके लिए भी 200 रुपये कमीशन दिया जाए, प्लस 2 किलो प्रति क्विंटल का शार्टेज दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है और अभी तक हमारी इन मांगों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय या प्रशासक का किसी भी तरीके से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग सब लोग कल 18 तारीख को भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और 19 तारीख को भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुँच कर सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। कहना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपनी लाडली बहनाओं को 1000 अगर दे रहे हैं तो क्या आप हमारा वेतन हमको नहीं दे सकते, हमें परमानेंट नहीं कर सकते हैं क्या? हमारा वेतन मान लागू किया जाए, हम भी तो आपकी बहना हैं।